अब हम बात करेंगे न्यूरॉन या नर्व सेल की. व्हाट इज़ नर्व सेल और न्यूरॉन, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. यानी जो न्यूरॉन है, जिनको हम नर्व सेल भी कह सकते हैं, ये जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. यानी ये आपके पूरे असाबी निज़ाम को बनाते हैं और साथ ही साथ ये फंक्शंस अदा कर रहे होते हैं. फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यही पैगाम रसानी का काम अंजाम दे रहे होते हैं. न्यूरॉन्स कहाँ मौजूद है? जिस्म के हर एक हिस्से में, चाहे वो आपका दिमाग हो, स्पाइनल कॉर्ड हो या बाकी जिस्म के जो हिस्से हैं, उन तमाम हिस्सों में नर्व्स फैले हुए होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अगर एक आम न्यूरॉन की बात की जाए तो न्यूरॉन जो है बेसिकली तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है. पहला इसका हिस्सा आ जाता है सेल बॉडी, दूसरा हिस्सा डेंड्राइट्स और तीसरा हिस्सा एक्सॉन. अब डायग्राम में आपके लिए मैं वाजे करती हूँ ये चीज़ें. ये वाला जो ब्रांचेस वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, जो पर्पल रंग में दिखाई गई है इस डायग्राम में, ये इसका हेड है और ये बाकी जो है इसका टेल आप कह सकते हो. हेड वाले हिस्से को अगर हम गौर से देखें तो ये बिल्कुल दरख्त की शक्ल का हमें नज़र आते हैं. इनके जो हेड है, इनके इस वाले हिस्से को बग़ैर ब्रांच के, इन हिस्सों को हम कहते हैं सेल बॉडी. और सेल बॉडी के अंदर जो है न्यूक्लियस आप देख सकते हो. सेल बॉडी के इर्द गिर्द से आपको दागे नज़र आते हैं या फाइबर्स, जिसे इंग्लिश में कहा जा सकता है, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स. और सेल बॉडी के साथ एक और मोटा सा धागा अटैच होता है जिनको हम कहते हैं एक्सॉन. और एक्सॉन के एंड में एक्सॉन टर्मिनल्स मौजूद होते हैं. पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन एंड देयर फंक्शन. पार्ट्स के बारे में तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चुकी होगी, जिसमें हमने सीखा सेल बॉडी जो उसका हेड होता है, ब्रांचेस के बगैर सेल बॉडी होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं. दूसरा हिस्सा है डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स हमने उन फाइबर्स को कहा जो सेल बॉडी के इर्द गिर्द मौजूद था, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से और उनको भेज देते हैं सेल बॉडी की जानिब. अगला है नंबर 3, एक्सॉन. एक्सॉन ये जो है लॉन्ग फाइबर था जो सेल बॉडी के साथ कनेक्टेड था और ये मैसेजेस रिसीव करके ये ले जाते हैं दूसरे न्यूरॉन्स की जानिब, और दूसरे न्यूरॉन्स से होते हुए वो चले जाते हैं हमारे दिमाग. दिमाग से फिर दोबारा कुछ ख़ास न्यूरॉन्स पैगाम लाने का काम करते हैं. एक्सॉन टर्मिनल के बारे में हमने सीखा. अब असाइनमेंट आपके लिए मैंने यहाँ लिखी है. नंबर 1 है फाइंड आउट हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन. हमने ये सीखा कि पूरे जिस्म में ओवरऑल तकरीबन मिलियन से भी हो सकता है ज़्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हो. आपने फाइंड आउट करना है कि सिर्फ ब्रेन के अंदर कितने न्यूरॉन्स हो सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम डज ह्यूमन बॉडी हैव. ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम है? आज आपने सीखा नर्वस सिस्टम के बारे में, ये हुआ एक सिस्टम. हमने सीखा है लोअर सेक्शन क्लासेस में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. इसके अलावा और कौन कौन से सिस्टम हैं, उनके बारे में आपने रिसर्च करना है. तीसरा है व्हाट इज़ फिल्ड इन सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन. सेल बॉडी के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है न्यूरॉन में. नंबर 4, डिफाइन न्यूरॉन एंड नर्वस सिस्टम इन योर ओन वर्ड्स. न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम को आपने इंग्लिश या उर्दू में डिफ़ाइन करना है. नेक्स्ट है फिल दिस ब्लैंक्स. अगर कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल है, आपके जहन में सवाल पैदा होता है, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है. मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूँगी कि आपके सवालात का जवाब दे सकूँ टाइम पे. तो ब्लैंक्स की तरफ आते हैं. द सिस्टम विच कम्युनिकेट्स मैसेजेस अमंग वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डैश. ऐसा निज़ाम जो पैगामात की रसानी का काम करते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, उस निज़ाम को हम क्या कहते हैं. दूसरा है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ डैश. हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, और इनमें से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है. देखें, डैश, आई, स्टमक, लीवर या हार्ट, इन चारों में से कौन सा सेंसरी ऑर्गन है, यानी कौन से जिस्म के हिस्से जो है चीज़ों को हिस करने का काम करते हैं. और फोर्थ है
फाइबर कमिंग आउट ऑफ सेल बॉडी स्कल डिश, ऐसा धागा जो सेल बॉडी से निकलते हैं, मोटा होता है, लंबा होता है, उस धागे का आपने नाम लिखना है। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।